नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों क्रिकेट जंगी की एक और नई वीडियो के अंदर। तो गाइस आज की इस वाली वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं बिग बैश लीग के 22nd मैच के बारे में, जो कि होने वाला है ब्रिस्बेन हीट और सिडनी सिक्सर्स के बीच में। आज हम लोग इस वाली वीडियो के अंदर दोनों ही टीम के बारे में बात करेंगे, दोनों ही टीम को एनालाइज करेंगे, दोनों ही टीम के प्लेइंग 11 को देखेंगे, पिच कंडीशन को देखेंगे और लास्ट के अंदर एक ड्रीम 11 टीम भी बताएंगे, जिसे आप बना के अच्छे पैसे जीत सकते हो इस वाले मैच के अंदर। तो गाइस मैं स्वागत करता हूं आप सभी लोगों एक नई वीडियो के अंदर, बिना टाइम गवाए चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस हम नजर मार लेते हैं थोड़ी सी पॉइंट टेबल के ऊपर, देखते हैं दोनों ही टीम कहां कहां पर स्टैंड करती है पॉइंट टेबल के अंदर। तो ब्रिस्बेन हीट फर्स्ट नंबर पर बैठी है हमारे पॉइंट टेबल के अंदर, और ये वाली जो टीम है काफी अच्छी कर रही है इसी लीग की शुरुआत से। इन्होंने अभी तक टोटल 5 मैचेस हुए, जिसके अंदर से एक अबैंडन हुआ है, 4 इन्होंने खेले हैं और चारों के चारों इन्होंने जीते हैं, और 9 पॉइंट के साथ ये टॉप पर बैठी है हमारी ब्रिस्बेन हीट हमारे पॉइंट टेबल के अंदर, जहां पर इनके पास 9 पॉइंट्स है। इनका जो नेट रन रेट है 1.943 का है। अगर बात करें हमारी दूसरी टीम सिडनी सिक्सर्स के बारे में, सिडनी सिक्सर्स यहां पर हमारी थोड़ी सी नीचे बैठी है, ये बैठी है हमारे तीसरे स्थान पर 7 पॉइंट्स। इन्होंने अभी तक 5 मैचेस हुए, इसके अंदर से एक अबैंडन हुआ है, 3 इन्होंने जीते हैं और एक इन्होंने हारा है। इनका जो नेट रन रेट है वो 0.167 का है। तो गाइस ये थी हमारी थोड़ी सी पॉइंट टेबल, थोड़ी सी बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन हीट के बारे में। तो ब्रिस्बेन हीट जो है इस सीरीज के अंदर स्टार्टिंग से काफी अच्छा कर रही है, अभी तक उन्होंने इस वाली लीग के अंदर एक भी गेम नहीं हारा है। और लास्ट वाला जो गेम हुआ था उनका सिडनी थंडर के खिलाफ हुआ था, उसके अंदर भी वो 15 रन से जीत गए थे। हमारे कप्तान कॉलिन मुंडो कोशिश करेंगे कि वो इसी तरीके से आगे वाले जो गेम होंगे इस वाली लीग के अंदर उनको भी बड़े आसानी से जीतते रहे। तो ब्रिस्बेन हीट काफी अच्छा कर रही है शुरुआत से, उनकी बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है। साथ ही साथ हम ब्रिस्बेन हीट की तरफ से कॉलिन मुंडो और जॉस ब्राउन की एक अच्छी ओपनिंग जोड़ी की उम्मीद रख सकते हैं, क्योंकि एल पास के अंदर जितने भी इस लीग के अंदर गेम हुए हैं कॉलिन मुंडो और जॉस ब्राउन की जो ओपनिंग जोड़ी रही है वो काफी अच्छी रही है। साथ ही साथ नेथन मैक्सवेन का जो कॉन्फिडेंस है वो काफी तगड़ा रहेगा, क्योंकि लास्ट वाले गेम के अंदर इन्होंने 52 बॉलों पर 73 रन बनाए थे, जो कि यार काफी अच्छा स्कोर था लास्ट वाले गेम के लिए। मैं बात करें मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन के बारे में, तो मैथ्यू रेंचो और सैम बिलिंग भी अच्छा खासा प्रदर्शन दिखाएंगे, और लोअर मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन पॉल वॉल्टर और जेवियर बार्लेट भी अच्छी खासी फायर पावर में रहेंगे। बात करें बोलर्स के बारे में, तो माइकल नेसर और स्पेंसन जॉन्स ने अभी तक यार काफी अच्छा करा है इस लीग के अंदर, उन्होंने काफी अच्छे अच्छे विकेट्स लिए हैं और इनसे उम्मीद रहेगी कि ये गेम की शुरुआत होते ही फटाफट से कुछ कुछ विकेट ले लें। तो ये तुम्हारे बैटर्स और बॉलर्स वाले बात है। अब बात कर लेते हैं लास्ट वाला गेम होता ब्रिस्बेन हीट का, सिडनी थंडर के खिलाफ हुआ था, उसके अंदर ब्रिस्बेन हीट ने कैसा स्कोर किया था। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं बैट्समैन के बारे में। तो बैट्समैन के अंदर यहाँ पर हमारे नेथन मैक्सवेन ने 52 बॉलों के अंदर 73 रन बनाए थे, जहाँ पर उन्होंने 7 चौके लगाए थे। बात करें जॉस ब्राउन के बारे में, तो जॉस ब्राउन ने यार हमारे बनाए थे 29 बॉलों के अंदर 39 रन, इन्होंने भी 4 चौके लगाए थे। देन सैम बेलिंग से बनाए थे 23 रन, 4 चौके लगाए थे 13 बॉलों के अंदर। देन बात करें बॉलर्स के बारे में, तो बॉलर्स के अंदर जेवियर बार्लेट ने ली थी यार 3 विकेट, देन स्पेंसर जॉनसन ने 2 विकेट ली थी और मैथिन कोनेमन ने 2 विकेट ली थी। अगर बात करें बैटिंग के बारे में चाहे बॉलिंग के बारे में, ब्रिस्बेन हीट दोनों ही साइड से काफी स्ट्रॉन्ग रही है इस लीग के स्टार्टिंग से। अभी हम बात कर लेते हैं ब्रिस्बेन हीट की प्लेइंग 11 के बारे में। तो ब्रिस्बेन हीट की तरफ से मैं प्लेइंग 11 के अंदर हमारे कप्तान कॉलिन मुंडो, जो कि काफी अच्छे रहे हैं, साथ ही साथ जॉस ब्राउन। तो कॉलिन मुंडो जॉस ब्राउन दोनों की जो ओपनिंग जोड़े काफी अच्छी रही है, तो ये दोनों में जरूर देखेंगे। देन इसके बाद बढ़िया बॉलर नेथन मैक्सवानी, मैट रेंचो, ये काफी अच्छे बॉलर हैं, हमें जरूर देखने को मिलेंगे। देन आएंगे हमारे विकेट कीपर सैम बेलिंग्स, देन आएंगे पॉल वॉल्टर, माइकल नेसर और हमारे बढ़िया जेवियर बार्लेट। जेवियर बार्लेट ने लास्ट मैच के अंदर 3 विकेट ली थी, पहले प्लेयर हमें इस वाले गेम के अंदर जरूर खेलते हुए देखेंगे। देन आएंगे हमारे स्पेंसर जॉनसन, स्पेंसर जॉनसन ने भी लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट ली थी, और मैथ्यू कोनेमन, इन्होंने भी लास्ट मैच के अंदर 2 विकेट ली थी। दोबारा 3 बॉलर है जेवियर बार्लेट, स्पेंसर जॉनसन और मैथ्यू कोनेमन, ये हमारे बहुत बढ़िया बॉलर है ब्रिस्बेन हीट की तरफ से। तो ब्रिस्बेन हीट की बात करें बॉलिंग के अंदर भी काफी अच्छी स्ट्रॉन्ग टीम है और बैटिंग के अंदर भी स्ट्रॉन्ग टीम है, तो ब्रिस्बेन हीट के लिए काफी अच्छी चीज है, इसलिए इस वाली लीग के अंदर अभी तक एक भी गेम नहीं हारे हैं। चलेंगे हमारे लास्ट प्लेयर मिचेल स्वेप्सन। तो तुम्हारी ब्रिस्बेन हीट ही प्लेइंग 11 के बारे में। अभी हम लोग बात कर लेते हैं सिडनी सिक्सर्स के बारे में। वहीं पर बात करें सिडनी सिक्सर्स के बारे में, तो सिडनी सिक्सर्स थोड़ी सी निराश से बारिश के कारण, क्योंकि जो लास्ट गेम हुआ था सिडनी थंडर के खिलाफ, उसके अंदर बारिश आने के कारण उस वाले मैच के अंदर से कोई भी उन्हें रिजल्ट देखने को नहीं मिला, जो कि काफी परेशानी वाली है, क्योंकि यार सिडनी सिक्सर्स काफी हमें फॉर्म में देखने को मिल रही थी और हो सकता था कि शायद सिडनी सिक्सर्स वाले अगर वो गेम चलता तो शायद उसको जीत सकती थी, जिसके कारण वो अपनी पॉइंट टेबल के अंदर थोड़ा सा ऊपर स्थान पर आ सकती थी। तो इससे हमारे कप्तान मॉइस हेन ने थोड़े सारे उदास तो जरूर होंगे, बट हमें उम्मीद रहेगी कि सिडनी सिक्सर्स इस वाले मैच को पूरे जोश से खेले। बात करें बैटर्स के बारे में, तो बैटर्स के अंदर जॉश फिलिप और जेम्स विंस, इनसे यार अच्छी खासी उम्मीद रहेगी ओपनिंग के अंदर, इनके ऊपर काफी अच्छा बोझ रहेगा ओपनिंग की बैटिंग को संभालने के लिए। साथ ही साथ मिडल ऑर्डर के अंदर मोइस हेनरिक्स, कर्टिस पैटरसन और जॉर्डन सिल्क, ये तीनों खिलाड़ी मिडल ऑर्डर की जो बैटिंग होगी उसको संभालने का श्रेय लेंगे। साथ ही साथ जेक एडवर्ड्स, जोएल डेवियस और सीन एबट, इन तीनों खिलाड़ियों से हम बीच बीच के अंदर एक अच्छे खासे रन की उम्मीद जरूर रखेंगे। वहीं पर बात करें बॉलिंग के बारे में, तो इनका जो सामना है वो ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ है, जिसके पास काफी तगड़े तगड़े बॉलर हैं, तो इनको अपनी बॉलिंग पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। हमारे बॉलर जैक्सन बर्ड और सीन एबट, इनसे थोड़ी सी उम्मीद रहेगी कि
किया है स्टार्टिंग के ओवर्स के अंदर, अच्छी खासी विकेट ले, क्योंकि पावर प्ले के अंदर एक दो विकेट नहीं लेते हैं। तो ब्रिस्बेन हीट या काफ़ी तगड़ी टीम है, बैटिंग के अंदर भी और तगड़ी टीम है, बॉलिंग के अंदर भी तगड़ी टीम है। तो अगर इन बॉलिंग हल्की सी करते हैं तो बैटिंग के अंदर अच्छे खासे रन बना जाएंगे। तो गाइस ये तो थी हमारे सिडनी सिक्सर्स के बारे में बातें। अभी लोग बात कर रहे थे सिडनी सिक्सर्स के प्लेइंग 11 के बारे में। तो प्लेइंग 11 के अंदर हमें देखने को मिलेंगे हमारे कप्तान मॉइस हेनरिक्स, विकेट कीपर जॉस फिलिप, जेम्स विंस, कर्टिस पैटरसन, जॉर्डन सिल्क, जैक एडवर्ड्स, जोएल डेवियस, सीन एबट, बेन डॉर्शिस, जैक्सन बर्ड और टॉड मर्फी। तो गाइस ये सब हमारी प्लेइंग 11 है हमारी सिडनी सिक्सर्स के लिए। अभी लोग बात कर लेते हैं पिच और स्टेडियम के बारे में बातें। तो कैसे भी लोग बात कर लेते हैं स्टेडियम के बारे में बातें। तो स्टेडियम में जो होने वाला है ये गब्बा ब्रिस्बेन के होने वाला है। इस वाले मैच के अंदर गाइस थोड़ी सी उम्मीद है कि बारिश आ सकती है, जिसके कारण बैट्समैन को थोड़ी सी परेशानी देखने को मिल सकती है। ये वाला ग्राउंड स्मॉल है तो बैटिंग के लिए अच्छा हो सकता है, लेकिन अगर बारिश आती है तो ये बैट्समैन के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और बात करें बॉलर्स के लिए तो बॉलर्स के लिए यहाँ पर थोड़ा सा फायदा मिल जाएगा, बारिश आती है पिच थोड़ी बहुत गीली हो जाती है तो हमें थोड़ी सी बॉलिंग के अंदर एज देखने को मिलेगी। तो इसलिए हमारे यही प्रेडिक्शन कहते हैं कि कोई भी टीम टॉस जीतती है तो उसको पहले बॉलिंग करनी चाहिए बैटिंग को छोड़ के, क्योंकि इसके अंदर थोड़ी सी बॉलिंग को बेनिफिट मिलेगा बारिश के कारण। अगर बारिश ज्यादा आती है तो यार वो फिर मैच से बैटर हो जाएगा, जो कि हम नहीं चाहते बिल्कुल भी, क्योंकि फिर हमारे जो फैंस है उसको और ज्यादा निराशा देखने को मिलेगी। तो हमने बिल्कुल नहीं चाहते बारिश आए, लेकिन थोड़ी सी नमी तो होगी बारिश के कारण, जिसके कारण थोड़ी बहुत हमें पिच के अंदर थोड़ी सी चेंजेस देखने को मिलेंगे और बैटर को थोड़ी दिक्कत आएगी और बॉलिंग को मिलेगी फायदा। खासकर जो फास्ट बॉलर होते हैं, जो पेसर्स होते हैं, उनको अच्छी खासी विकेट देखने को मिलेगी। तो कोई भी टीम अगर टॉस जीती तो उसे पहले बॉलिंग लेनी चाहिए। साथ ही साथ कोई भी टीम को बैटिंग मिलती है पहले तो उसको पूरी कोशिश करनी पड़ेगी, अपनी बैटिंग में जी जान लगानी पड़ेगी और उसे कम से कम 150 से 160 का जो रन होगा उसे स्कोर करना पड़ेगा, वरना अगर इससे कम स्कोर करते हैं तो बड़ी दिक्कत आ जाएगी। तो गाइस लोग बात कर लेते हैं प्रेडिक्शन के बारे में कि ये वाला गेम कौन सी टीम जीत सकती है। तो सिडनी सिक्सर्स जो है इस वाले लीग के अंदर अच्छा कर रही है, इन्होंने अभी तक सिर्फ एक गेम हारा है, लेकिन इनका जो सामना है वो ब्रिस्बेन हीट के खिलाफ है और ब्रिस्बेन हीट ने इस वाली लीग के अंदर एक भी गेम नहीं हारा है। साथ ही साथ एक और चीज, ब्रिस्बेन हीट की बैटिंग और बॉलिंग दोनों ही काफी स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर बात करें सिडनी सिक्सर्स के बारे में, सिडनी सिक्सर्स की बैटिंग तो एक बार को ठीक ठाक है, लेकिन बॉलिंग के अंदर इनको कमी देखने को मिल रही है, इनको बॉलिंग में फोकस करना पड़ेगा। और बॉलिंग के अंदर अगर थोड़ी सी भी हल्की छूट देते हैं तो ब्रिस्बेन हीट एक ऐसी टीम है जो कि एक अच्छा खासा रन स्कोर कर सकती है। तो अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे ऑड्स हैं वो ब्रिस्बेन हीट के ज्यादा है और इस गेम के अंदर जीतने के चांसेस ब्रिस्बेन हीट के ज्यादा है। तो गाइस ये तो थी हमारी ओवरऑल दोनों ही टीम के बारे में बातें। अभी लोग बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम के बारे में बातें। तो गाइस ड्रीम 11 टीम का हम देखें तो सबसे लाएंगे हमारे विकेट कीपर के अंदर हम लेंगे जिमी पियर्सन को, बैटर्स के अंदर हम लेंगे उस्मान खाजवा, मॉइस हेनरिक्स, जॉर्डन सिल्क और स्टीव स्मिथ को। इसके बाद आएंगे हमारे ऑलराउंडर के अंदर हम लेंगे माइकल नेसर, मैथ रेंचो और हेडन केयर को। बॉलर के अंदर हम लेंगे मैथ्यू पुनेमन, सीन एबट और बेन डॉर्शिस को। तो ऐसे थी हमारी ड्रीम 11 टीम इस वाली गेम के लिए। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आएगा, आपको वीडियो लाइक मार देना, हमारे चैनल पर नया सब्सक्राइब मार देना। मैं बोलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय।